देश के प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का ऐलान तो कर दिया, लेकिन लोगों में इस 3 कृषि कानूनों को वापस लेने के ऐलान के बाद क्या प्रतिक्रियाएं हो रही हैं, लोग क्या सोच रहे हैं, लोग क्या जान रहे हैं, ये हम आपकी बात कराएंगे। लोगों से विभिन्न तरह के लोग हैं और लोगों का पक्ष जानने का प्रयास करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि ये जो 3 कृषि कानून है, इनकी वापसी की मांग को लेकर के विभिन्न किसान जत्थेबंदियों ने दिल्ली के चारों तरफ डेरे डाले हुए थे 1 साल से, और वो लगातार अब भी जारी हैं। और किसानों की मांग, 2 प्रमुख मांगे थी, एक तो ये जो 3 कृषि कानून है इनको वापस लिया जाए, इनको रद्द किया जाए, और दूसरी थी MSP पर कानून बनाया जाए, खरीद गारंटी का कानून। और ये जो दोनों मांगे हैं, इन मांगों को लेकर के किसान लामबंद थे, आंदोलनरत थे। सरकार और प्रधानमंत्री तक इन कृषि कानूनों को किसानों के हितों में बता रहे थे। किसानों को कई तरह के शब्दों से, अपमानित शब्दों से उन्होंने अपमान किया किसानों का, बावजूद इसके किसान डटे रहे। किसानों में कई तरह की फूट भी पड़ी, किसानों में टकराव भी हुआ आपसी स्वार्थों को लेकर के किसान यूनियनों के बीच, लेकिन इसके बाद भी किसान लगातार डटे रहे हैं और आंदोलनरत रहे हैं और एकता का संदेश देने का प्रयास किया। किसानों की इस एकता के सामने ही सरकार झुक गई थी, और सरकार ने जब 5 राज्यों के चुनाव हो रहे थे, अभी होने वाले हैं अभी 5 राज्यों के चुनाव, इन चुनाव में यदि भारतीय जनता पार्टी को कोई नुकसान होता है तो फिर भारतीय जनता पार्टी इन कानूनों को लेकर के प्रधानमंत्री पर लांछित लगाती है। इसीलिए प्रधानमंत्री ने, सुनने में यह आया कि गुप्त रिपोर्ट मिल गई थी कि 5 राज्यों में किसान आंदोलन का असर बहुत ज़्यादा पड़ने वाला है, इसीलिए प्रधानमंत्री ने आनन फानन में इन कृषि कानूनों को वापस ले लिया और एक नया मास्टर स्ट्रोक खेला है कि आने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को फिर से जीत दिलाई जाए। और बड़ी बड़ी बात कल प्रधानमंत्री ने की है, ये तक माफी तक मांगने की बात की है, और ये तक कहा है कि यह कानून किसानों के हितों के लिए बनाए गए थे और जो छोटे किसान हैं उनका फायदा सरकार करना चाह रही थी, और इस फायदे को कुछ लोग स्वीकार नहीं कर रहे थे। कुछ लोगों का हवाला दिया है और उन कुछ लोगों को मैं समझा नहीं पाया, प्रधानमंत्री जी कह रहे थे, इसीलिए मैं दिल की गहराइयों से माफी मांगता हूं। अब किसान कितने माफ करेंगे प्रधानमंत्री को, और प्रधानमंत्री की ये माफी और इन कानूनों की वापसी से किसान कितने सहमत हैं, ये हम आपको मिलवाएंगे, ये सुनवाएंगे। आप सुनिए किसानों की, किसान नेताओं की और कुछ राजनीतिक लोगों की मन की बात सुनिएगा, क्या कह रहे हैं। मैं सबसे पहले तो आपके सभी दर्शकों को नमस्कार कहता हूं और धन्यवाद करता हूं आपका कि आप बहुत ही एक अच्छे तरीके से हमारे इंद्रिय हलके की समस्याओं को चैनल के द्वारा सरकार तक पहुंचाते हैं, उसके लिए भी आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया जी। और इस समय हम जान रहे हैं जो प्रधानमंत्री ने 3 कृषि कानून वापस लेने का ऐलान किया, उसके पीछे क्या रहस्य हैं, आपको क्या लगता है कि क्या कानून वापस करने में प्रधानमंत्री की मजबूरी थी क्या? निर्मल जी, अगर ये कानून ना बनाए जाते तो सबसे अच्छा था, बना दिए तो जब लोगों की, जब किसानों की मांग उठी कि हमें ये कानून नहीं चाहिए, और एक ऐतिहासिक बात रही है इस कानून के बारे में कि पहली बार ऐसा संघर्ष हुआ है किसानों के द्वारा जहां पर किसान कुछ मांग नहीं रहे, बल्कि ये कह रहे थे कि उस वक्त कि हमारे ये कानून वापस लो, हमें आपके इन कानूनों की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इन कानूनों के द्वारा हमारे किसानों को कोई फ़ायदा होने वाला नहीं था। अगर निर्मल जी ये कानून पहले प्रधानमंत्री जी वापस ले लेते तो जो इतना बड़ा नुकसान किसानों का हुआ है, चाहे उसमें जान माल की हानि हुई है, जाने गई हैं, उसके अंदर लोग 1 साल से अपने काम काज को छोड़कर वहाँ संघर्ष में बैठे रहे हैं, इस तरह की बातें ना होती अगर ये पहले कानून उठा लिए जाते, वापस ले लिए जाते। दूसरा ये कि जो प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से बात की है कि जो असंख्य किसान है वो हक में थे इन कानूनों के, और कुछ एक किसान थे जो नाराज़ थे, मैं उनको समझा नहीं पाया इसलिए माफ़ी मांगता हूँ, ये किस तरह की जो न शब्दावली इस्तेमाल कर रहे हैं प्रधानमंत्री? ऐसा नहीं है निर्मल जी, पूरे देश के किसान, सभी वर्ग और समाज के किसान जो खेती से जुड़े हुए हैं, वो लोग भी इससे नाराज़ थे इन कानूनों से, उनको भी दिक्कत थी इस कानूनों की, कोई थोड़े से नहीं, पूरे के पूरे देश के किसान ही इसमें संघर्ष में साथ दे रहे थे किसानों का आपस में।
क्या प्रधानमंत्री को चुनाव की हार नजर आ रही थी पांच राज्यों के, इसलिए वापस लिए गए होंगे, क्या सोचते हैं आप? ऐसा भी मानना है लोगों का कि जो लोगों के बीच में हम जैसे जाते हैं बैठते हैं, सभी लोग ये चर्चा करते हैं कि जिस तरीके से पिछले उपचुनाव में कुछ महीने पहले जो महीने दो महीने पहले चुनाव हुए हैं उनमें भारतीय जनता पार्टी की जो हार हुई है उसको देखते हुए भी ये फैसला लिया गया है। क्या अब जो प्रधानमंत्री को फायदा हो जाएगा चुनाव वापस लेने से, ये कानून वापस लेने से चुनाव में? ये तो उनकी अपनी सोच है, उनकी पार्टी की अपनी सोच है। मेरा ये मानना है कि ऐसा नहीं होगा, क्योंकि किसान आज भी उस दुख को दर्द को मन में लिए हुए हैं। एक चीज और जानना चाहेंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी ने कहा भाई छोटे किसानों को मैं फायदा करना चाह रहा था और फायदे में थे ये किस कानून, तो फिर जब फायदे में थे और फायदा करना चाह रहे थे तो फिर वापस क्यों लिए, क्या आप क्या मानते हैं इसके पीछे? इसमें सभी किसानों का नुकसान था, चाहे वो छोटा है चाहे बड़ा है। वैसे तो कोई बड़े छोटे वाला हिसाब रहा नहीं। अब आप देख रहे हैं खेत की जो जोत है परिवारों के बढ़ने के बाद कितनी छोटी होती जा रही है, उस हिसाब से कोई बड़े छोटे वाला सवाल नहीं है। इसमें तो सभी किसानों का नुकसान था, चाहे वो किसी कोई भी था। अच्छा, दूसरा ये कहा गया था कि जो इतने भाजपा के नेता थे वो बार बार ये कह रहे थे भाई ये जो किसान यहाँ आंदोलन कर रहे हैं कांग्रेसियों ने भगा रखे है इसको, ये कांग्रेस के लोग हैं, विरोधी दलों के भगावे हुए लोग हैं। अब क्या ये उन वो भगावे हुए लोग नहीं थे क्या अब वापस लिए? ये तो उनके मुँह की जुबानी है, उनके मुँह पर आन पड़ी है बात सारी सारी। जो लोग कहा करते थे कि ये किसानों के हित में है, आज वो किस मुंह से कह रहे हैं कि किसानों के हित में ये कानून नहीं थे हम वापस ले रहे हैं? अगर वापस लिए हैं तो इसका मतलब ये है कि ये किसानों के हित में कानून नहीं थे, किसानों के विरोध में कानून थे। अच्छा मेहता जी, चलते चलते एक सवाल जरूर बताइएगा, ये जो प्रधानमंत्री तीन कानून वापस लिए हैं ये जीत किसकी है, किसानों की है, विरोधी दलों की है या प्रधानमंत्री की है? ये जीत सभी किसानों की जीत है, और इस संघर्ष में जिस तरीके से हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी हमारे नेताओं ने, श्री राहुल गांधी जी ने, श्रीमती सोनिया गांधी जी ने, हमारे प्रदेश के जो अध्यक्ष हैं शैलजा जी ने, हमारे नेता प्रतिपक्ष हैं हुड्डा जी, उन्होंने सभी ने, सभी कांग्रेसजनों ने इसमें पूरा अपना समर्थन दे रखा था, और आज ये जो जीत है हम सभी पार्टी के लोग किसानों की जीत मानते हैं। इसमें किसानों को इस बात की आज हम बधाई भी देते हैं और इसके लिए हम उनकी प्रशंसा भी करते हैं कि उनकी वजह से, उनकी कुर्बानी की वजह से, उनकी मेहनत की वजह से, उनके संघर्ष की वजह से ये जीत हासिल हुई है। एक और सवाल आप ये बताइएगा कि ये जो किसानों का आंदोलन था इससे क्या संदेश किसानों को मिला, जनता को मिला है और सत्तासीन और विपक्ष को मिला है, क्या संदेश क्या मिला? इसमें संदेश तो मैं यही कहना चाहूँगा कि आगे से कोई भी, किस तरीके से भी कोई भी सरकार कानून बनाए तो सोच समझ के, लोगों के विचार सुनकर, लोगों की विचार लेकर तभी बनाए, ताकि कानूनों को कभी वापस ना लेना पड़े। सबसे पहले तो मैं जन तहलका चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, हमारे बड़े भाई निर्मल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ, जो शुरू से ही हमारे पूरे इलाके की खबरें खासकर किसानों के मुद्दे पर आवाज़ उठाते रहे हैं, और सारों के साथ इन्होंने मिल के जन तहलका एक ऐसा, ये जन का चैनल बना दिया जिसमें हर बंदा अपनी आवाज़ उठा सकता है, तो मैं निर्मल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा। और जो कृषि कानून पे आप मेरे से पूछ रहे थे, मैं प्रधानमंत्री जी के फैसले का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, उन्होंने बड़ा अच्छा फैसला लिया। अगर ये फैसला पहले लिया जाता तो और अच्छा होता, उसमें इतने किसान शहीद हुए, इतना नुकसान हुआ, तो वो ना होता। प्रधानमंत्री जी अगर पहले लेते तो बहुत ही अच्छा होता। बाकी चलो देर आए दुरुस्त आए। और मैं एक और बात कहना चाहूँगा, अभी जो दो तीन मुद्दे और हैं, जैसे कि जो शहादत हुई, जितने किसान शहीद हुए, प्रधानमंत्री जी को इस पे भी विचार करना चाहिए, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए, और जिन पे केस दर्ज हैं वो केस वापस होने चाहिए। और मैं एमएसपी पे भी एक कानून बनाने की बात हो रही है, एमएसपी पे सरकार को बड़ी गहनता से विचार करके बहुत बढ़िया सा, जिसमें सारे किसानों को भी फायदा हो, ऐसा शालीनता से बैठकर एक विचार करना चाहिए, एमएसपी पे कानून बनाना चाहिए। तो
गोल्डी जी, एक चीज और जानना चाहेंगे कि ये जो आंदोलन था, इस आंदोलन के दौरान, अभी वैसे आंदोलन चल ही रहा है लेकिन प्रधानमंत्री जी ने जो घोषणा की है इसके बाद, इस किसान आंदोलन को 1 साल हो गए हैं और 1 साल में इस किसान आंदोलन से किस तरह की सीख मिली है, किस तरह का संदेश मिला, आप क्या कहना चाहेंगे? देखो, ये किसान आंदोलन हुआ, ये बहुत सारी 1 साल में हमारे को इतनी प्रेरणा दे गया, इसमें अलग अलग चीजें देखने को मिली और बहुत अच्छा हुआ। जैसे हम बॉर्डरों पे देखा, हमने हिंदू सिख भाईचारा कैसे कायम रहा, जो माड़ी मोटी खटास थी वो और ज़्यादा मिलकर भाईचारे को, भाईचारा बहुत बड़ा। जैसे अब दूसरी मिसाल ले लीजिए, हरियाणा पंजाब में ये नहर का मसला चल रहा है, उसको भी दरकिनार करके हरियाणा पंजाब के इकट्ठे होकर इस आंदोलन में साथ आए और इससे प्यार बढ़ा है। मैं बड़ा हैरान हूँ, मैं पीछे एक न्यूज़ पढ़ रहा था कनाडा की, वहाँ भी इस आंदोलन के इतने चर्चे हैं, वो कहते हैं इस आंदोलन ने इतना भाईचारा बना दिया है, तो बड़ी अच्छी सीख वाली बात मिली है हमें इस आंदोलन से। देखिए, मैं आपके चैनल के दर्शकों से बधाई देता हूँ और आपका जो चैनल और जो कि आप बड़ी मेहनत कर रहे हैं, तो जैसे कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि जैसे कि 5 राज्यों में अभी फर्स्ट साल में जो आने वाला वर्ष उसमें चुनाव है, उसको देखते हुए आदरणीय देश के प्रधानमंत्री जी ने ये जो कृषि काले 3 कानून थे वापस लिए। और देखिए, यही अगर 1 साल किसानों को संघर्ष करते हो गए, अगर यही प्रधानमंत्री जी पहले इन कानूनों को वापस ले रहे तो बहुत अच्छा होता। आज चुनाव के डर से ही प्रधानमंत्री जी ने ये कृषि जो काले कानून है ये वापस लिए, क्योंकि उसको पता चला कि पूरे हिंदुस्तान के जो भी बाई चुनाव है, चाहे हिमाचल हरियाणा जहाँ भी हुए, वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया हुआ। उन्होंने देख लिए कि एक बड़ा स्टेट है यूपी, उसमें भी चुनाव होने जा रहे हैं और उनको जनता की बात उन्होंने भांप ली और किसानों की बात उन्होंने भांप ली। किसानों का जो आंदोलन था वो हरियाणा और पंजाब क्या पूरे देश में पनप चुका था और ये आंदोलन और भी बढ़ता जा रहा था, इसको मजबूती मिलती जा रही थी। कि मंत्री जी यदि वापिस नहीं लेते तो आने वाले चुनाव में नुकसान होता है इनका? हाँ, निश्चित। कृषि कानून काले वापिस ना होते तो ये पूरा हिंदुस्तान में 5 राज्यों में जो चुनाव होने थे वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का सफाया निश्चित था, इसमें कोई दो राय नहीं। अब क्या लाभ होगा वापस लेने पे इनको? देखिए, वो तो जनता के ऊपर है, जनता जनार्दन है, जनता भगवान है, जैसे वो फैसला देगी, लेकिन ऐसा मैं नहीं मानता, क्योंकि प्रधानमंत्री जी की नीयत का और सरकार की नीयत का किसानों को और आम जनता को पता चल चुका है। तो आज भी जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने जो अपने बयान में ये कहा कि हम अक्षमा चाहते हैं और कुछ किसान भाइयों का हम समझा नहीं सके, तो मैं तो ये कहूँगा ये कृषि कानून ही काले कानून थे, इनको तो पहले ही प्रधानमंत्री जी ने वापस ले लेना चाहिए था। और जैसे भी देर रात तो दुरुस्त आए, जो भी हुआ तो हम प्रधानमंत्री जी का आग्रह उनसे एक अनुरोध यही है कि हम उनका धन्यवाद करते हैं। जैसे कि 1 साल से किसान आंदोलन चल रहा है, उसमें बहुत से किसान शहीद हुए हैं, उनको मुआवजा दिया जाए और जो बाकी किसानों की मांगे वो भी जल्द से जल्द मांगी जाए, माननी मांगी जाए और उनको, उनके जो किसान शहीद हैं उनके परिवारों को, उनके परिवार के आदमियों को नौकरियां दी जाएं। देखो सर, लग तो ऐसा रहा है जी, जैसे ये जो घोषणा की गई है ये डरमी की गई है, क्योंकि अभी कई राज्यों में चुनाव हैं और चुनाव सरकार के, ये राजनीतिक लोग हैं चाहे प्रधानमंत्री है कोई है, अब इनको दिखने लग गया भाई कई जगह उपचुनाव भी आ रहे हैं, कई स्टेटों में इनका विरोध भी चल रहा है, इनको दी होगी कोई रिपोर्ट CID ने, इस करके इन्होंने डर में ये कानून हटाया है। और अभी तो इन्होंने घोषणा की है जी, अभी कोई गारंटी नहीं है आगे ये क्या करेंगे, संसद में पास हो जाएगा, लिखित में मिल जाएगा, किसानों की संतुष्टि हो जाएगी, संयुक्त मोर्चा की संतुष्टि हो जाएगी, तब जाके मानेंगे वापस हो, नहीं तो ये किया तो इन्होंने सारा डर में है, क्योंकि 1 साल से लोग पड़े हैं वहाँ, अभी याद आई इनको, 1 साल पहले ये सारे काम कर रहे थे, पहले ये कह रहे थे ये ठीक है, थाड़ियाँ बजाते थे और सारे चैनलों पे बैठ के बोलते थे भाई किसान ये नकली किसान है, उस टाइम तो पता नहीं उन्होंने किसानों को किस किस नामों से नवाजा, अब इनके कहने लगे वापस ले रहे हैं हम। और अभी भी भाषण में तो यही लग रहा है, कह रहे हैं भाई हमने समझाने की कोशिश की है, ये ठीक है कानून, पर नहीं मान रहे हैं, अभी भी मानने को तो तैयार नहीं है, पर वो इनके चुनाव के लिहाज से पिछड़ रहे हैं,
नहीं, इसमें कारण एक जो हम लोग आपको बताना चाहेंगे, वो जो प्रधानमंत्री की भाषा शैली है वो तो ये थी कि करीब जो है ना, जो कमज़ोर वर्ग के जो छोटे किसान हैं, सीमांत किसान हैं, हम उनके फायदे के लिए लाए थे, और 10 करोड़ के जो किसान हैं वो छोटे 80% हैं पूरे देश के, तो उनके फायदे के लिए लाए थे और वो तो खुश थे। और इसके अलावा जो अधिकतर जो किसान यूनियनें हैं वो भी समर्थन में थी, लेकिन कुछ एक किसान थे जिनको हम समझा नहीं पाए, और इसीलिए ना समझाने की वजह से उनको माफ़ी भी मांगनी पड़ी। क्या मानते हैं कि ये खाली एक दिखावा है? ऐसा है जी, ये तो बहुत बड़ी बात है जो आप पूछ रहे हो भाई। जब ये कह रहे हैं अभी ज़्यादातर किसान संगठन या किसान हमारे पक्ष में थे, फिर इन थोड़े से लोगों को क्यों नहीं समझा पाए? अगर ये सही तो ये थे जिनके जिनके चक्कर में इन्होंने इसको वापस लिया। सही सवाल ये भी तो है जी, थोड़े से लोगों के लिए क्यों वापस लिया जब ये फायदे का सौदा था, फायदेमंद थी कानून? अपने दिन देखने नजर हो गए हैं जी सर, अपने दिख रहा है टाइम आने वाला भी क्या बनेगी तुम्हारे साथ, इस चक्कर में वापस ले रहे हैं इसको। अभी अभी आज ही साल 1.5 साल के बाद ही आते हैं, 11 महीने बाद किसान इनको, अब से पहले कहाँ थे? तो अपना दिख रहा है इनको भाई क्या बनेगी तुम्हारे साथ आने वाले टाइम। अच्छा, एक सवाल और जो बड़ा अहम हो रहा है कि इस आंदोलन में किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, माओवादी और विदेशी फंडिंग से जीवी, आंदोलन जीवी, इस तरह के बहुत सारे जो नाम दिए गए हैं, क्या किसान उस बात को भूल जाएंगे प्रधानमंत्री की माफ़ी मांगने से? ऐसा है जी, जो किसानों के साथ किया गया है, जो जो इनको तोड़ने की तो हर प्रयास किया गया है, इन बातों को कोई नहीं भूलता। ये इनके साथ व्यवहार तो बहुत बुरा किया गया है, ये इसी देश के लोग हैं, इसी देश की जनता का पेट भरने वाले लोग हैं, और इन्हीं को खालिस्तानी, आतंकवादी, पता नहीं क्या क्या बोले गए हैं। ये चीज़ें भूलने लायक तो नहीं है, पर ये अब जो आगे ये इस कानून की जो बात कर रहे हैं, आजकल जो बयान दिया गया है, ये अपनी मजबूरी में कर रहे हैं, नहीं तो किसानों को सुनने की तरफ इनका कोई ध्यान नहीं है, ये अपनी राजनीति की उसमें है। अगर ये इतने ध्यान करते हैं तो दे दें हमें एमएसपी की गारंटी दें, तब माना जाएगा भाई चलो ठीक है, इनको दिखने लग गया है भाई ये भी हमारे देश के लोग हैं। उस पर भी ऐलान कल हो जाना चाहिए था, तापमान बिल्कुल होना चाहिए था, और लग नहीं रहा है करेंगे, कहीं ना कहीं पेच फंसा के बैठेंगे। अच्छा, दूसरा एक चीज़, एक जो सबसे बड़ा सवाल है वो यह है कि जो कानून वापस लेने की घोषणा हुई, 5 राज्यों के चुनाव की आप बात कर रहे हैं भाई, वहाँ हार देख रही थी, लेकिन क्या किसान और आम जनता इनको माफ़ कर देगी, इनको गले लगा लेगी इन चुनाव में? क्या इनको फायदा होगा भारतीय जनता पार्टी को इस वापिस की घोषणा से? ऐसा है जी, सांप निकल गया है, अब लकीर पीटने से कोई फायदा नहीं है। लोगों को इनका चेहरा तो नजर आ गया है, इतने दिन में इनकी सच्चाई तो लग गई है पता। अब ये पार्टियों का प्रयास होता है, अभी ये प्रयास कर रहे हैं भी किसी तरह से हम दोबारा उसी लाइन पे, उसी लहर पे आ जाए, तो बड़ा जोर लगेगा, अब जनता समझ चुकी है। बात कह रहे कि किसानों की बहुत बड़ी जीत हुई, और किसान जैसे किसानों की जो भी यूनियन है, संयुक्त मोर्चा, एक बैनर के तले इन्होंने एक बहुत बड़ी जीत दर्ज की। यदि अलग अलग जाते तो शायद ये जीत ना भी होती, एकता का ये भी पोर्ट पर रख रहा है। अच्छा, क्या आप लोग चाहेंगे भाई आगे ये एक होकर के रहें, या अलग अलग यूनियनें और सवार्थबाजी जब होती हैं, यहाँ कोई राजनीति कर रहा है तो ये सब राजनीति छोड़ करके किसान हित की बात करें और एक रहें? देखिए, बीच बीच में आंदोलन में ऐसा भी देखने को मिला कि राजनीति हो रही थी, राजनीति आम लोग भी ये भी बात कहते थे कि इससे दूर होने लगे थे कि राजनीति जो है इसके लिए बहुत बड़ी घातक है, और बीच बीच में संभली किसानों ने, अपने संयुक्त मोर्चा ने भी जो ऐसी गलत अफवाहें थी या जो सही उन्होंने दिखा उनको अलग किया, पर उन्होंने किसान मोर्चा का जो एकता का प्रतीक था वो टूटने नहीं दिया, संयुक्त मोर्चा बना रहा और अपना आंदोलन को सक्रिय रखा जो भी था। अब बीच में जैसे जैसे आम लोग भी कहते थे कि राजनीति इसमें गलत है, देखिए राजनीति तो इन आंदोलनों में होनी नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें सभी पार्टियों के हैं, सभी पार्टियों के व्यक्तियों ने पूरा जोर लगा करके किसानों को समर्थन दिया था। यदि इसमें राजनीति होती, कोई दूसरे धड़े का है, कोई दूसरे धड़े का है, वो इसमें अपने को अपेक्षित मानता, इसलिए सभी एक बैनर के तले लड़े और किसानों की जीत के लिए लड़े। ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਇਹੋ ਵਿਚਾਰ ਹੈ ਜੀ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਈ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਉਤਸਵ 'ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਵਾਪਸ ਹੋਏ, ਬਾਕੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਆ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੇਂਗੇ, ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਈ ਇਹ ਕੁਛ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਥੇ ਜਿਨਕੋ ਹਮ ਸਮਝਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ, ਮਨਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ,
और छोटे किसानों के फायदे में थे, और जब फायदे में थे तो फिर वापस क्यों लिया? कुछ किसान नहीं जी, बहुत किसान है इसमें तो, ज़्यादातर कम से कम मेरे हिसाब से 99% ही है इसमें। ऐसी बात क्यों बोल रहे फिर आप, क्या मान? वो तो जी राजनीति प्रेरित है सारी बातें जो कर रहे हैं। ये जो 5 राज्यों में चुनाव हो रहे थे, इनमें हार के डर से वापस लिया गया? मुख्य तो मुद्दा यही है, चुनाव की हार से डर से वापस लिए गए 5 राज्यों जी जी जी। अच्छा। इससे बुरी तरह हार है, उनके सर्वे भी बता रहे हैं वो हार रहे हैं, यूपी में भी, पंजाब में तो उनका ही नहीं कोई, ना हरियाणा के अंदर जी। बाकी ये जो उपचुनाव हुए थे कई स्टेटों के अंदर, वहाँ इनकी बहुत करारी हार हुई है, इसी की वजह से ये कानून वापस लिए गए। बाकी संसद के अंदर भी ये बोल रहा था बहुत कानून अच्छे हैं, जब अच्छे होते तो वापस कैसे ले लिए, ये किसानों की जीत हुई है बहुत जी। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं भाई, यदि ये प्रधानमंत्री कह रहा अच्छे कानून थे और संसद में भी ये कहा गया कानून अच्छे हैं, और जो 15 अगस्त है और 26 जनवरी पे जो झंडा लहराएगा लाल किले पे, वहाँ भी अच्छे बताए गए, तो फिर वापस कैसे ले रहा है, क्या सोच रहे हैं? वापस तो ये उन 5 राज्यों में चुनाव है उनकी वजह से ले रहा है जी, उनमें इसकी करारी हार दिख रही थी आगे इनको, पर अब ये जो सोच के इन्होंने कानून वापस लिए हैं उनमें इनकी जीत नहीं होगी, उन स्टेटों के अंदर भी लोग सब समझ चुके हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहिए? बाकी ये है जी, ये कानून वापस तो ले लिया ठीक है, MSP पे भी कानून गारंटीड बने, और जो किसान शहीद हुए उनको भी मुआवजा दिया जाए, उचित मुआवजा दिया जाए, और बाकी ये है जैसे लुकशिप के अब पीछे कानून उन्होंने पास कर लिया, ऐसे कानून किसानों की सलाह से कानून पास होने चाहिए जो भी हो आगे। 3 कृषि कानूनों की वापसी को लेकर के आपने लोगों के विचार सुने। इससे पहले मैं आपसे अपील करूंगा कि आप हमारे चैनल को और इस खबर को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए, ताकि हम जो किसानों के हितों में, जनता के हितों में और जन जन की आवाज़ बनने का प्रयास कर रहे हैं, हमारे उस उत्साह को और ज़्यादा बल मिले। लेकिन आप देख रहे हैं जनता हल का, और किसानों की बात भी आपने सुनी है, आम लोगों की बात भी सुनी है, कुछ नेताओं की बात भी सुनी है, कुल मिलाकर के लोगों के मन में एक बात जरूर उभर करके सामने आई है कि जो 5 राज्यों में चुनाव होने वाले हैं, इन चुनावों की वजह से प्रधानमंत्री ने इन कृषि कानूनों को वापस लेने की बात कही है, घोषणा की है, ऐलान किया है, वरना प्रधानमंत्री 1 साल तक आंदोलनरत किसानों की बात सुनने की बजाय इन कृषि कानूनों को अच्छा बताते रहे, भारतीय जनता पार्टी के लोग भी अच्छा बताते रहे। चलो देर आए दुरुस्त आए तो सही, किसानों की बात को माना तो है, लेकिन इस आंदोलन से एक बात बहुत ही महत्वपूर्ण उभर करके सामने आई है, किसान बोलना सीख गए हैं अब, और किसान अपने हकों की आवाज़ के लिए लड़ना भी सीख गए हैं, और जब बोलना और लड़ना सीख जाए और फिर सच्चाई के रास्ते पर चलकर आंदोलन करेंगे तो फिर उसके जो परिणाम निकलेंगे वो आपके सामने हैं। आप देखते रहिए जनता हलका, मैं अपने सहयोगी पंकज के साथ MS निर्मल।